हेल्पेज इंडिया द्वारा बुजुर्गों की देखरेख के लिए कई कार्यक्रमों को संचालित किया जाता रहा है, जहां डे केयर सेंटर भी स्थानीय बुजुर्गों के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वर्तमान समय के साथ तालमेल, ज्वलंत मुद्दों के प्रति जागरूकता एवं स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ मनोरंजन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में हेल्पेज इंडिया द्वारा निरवा क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 90 बुजुर्गों ने भाग लिया। कार्यक्रम में तहसीलदार निरवा अर्जुन सिंह परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आज पूरे भारत में 14 करोड़ बुजुर्ग रहते हैं। वे किसी न किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। आज लगभग 30% बुजुर्गों को मानसिक समस्या है। हेल्पेज इंडिया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर इस तरह की मानसिक परेशानी से बचने के लिए बुजुर्गों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से बुजुर्गों को मानसिक राहत मिलती है। आज नेरवा चौपाल में हेल्पेज इंडिया द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो बुज़ुर्गों के लिए था, जो सीनियर सिटीजन्स एक कल्चरल एक्टिविटी के रूप में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। ये प्रोग्राम बेसिकली हेल्पेज इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ मिलकर, हम लोग रीजनल रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर हैं हेल्पेज इंडिया, तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ये सीनियर सिटीजन कल्चरल इवेंट हमने आज नेरवा में ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन्स जो नेरवा के और यहाँ के चौपाल के रूरल एरिया से, खासकर हमारे यहाँ पे एल्डर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं सीनियर सिटीजन, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह का जो कल्चरल इवेंट है, जो सीनियर सिटीजन के लिए ऑर्गेनाइज करने का एक मकसद ये है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स है, जो अकेला रह रहे हैं, कोई दूर दराज एरिया में रह रहे हैं, आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो एक ऐसा मकसद जहाँ पे बुज़ुर्ग आए, इकट्ठे रहे और यहाँ पे इस तरह के जो कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक फिट रखे, अपने आप को एक हेल्दी रखे और खुश रखे। तो एक हमारा जो इस RRTC के अंदर रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ये प्रोजेक्ट हमारा था, तो इसमें खासकर चौपाल और नेरवा के काफ़ी रूरल एरिया से यहाँ पे बुज़ुर्गों ने पार्टिसिपेट किया और उनके जो एंथुसिज्म को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और बुज़ुर्गों का जो पार्टिसिपेशन रहा इसमें 100% रहा। और साथ में यहाँ पे नेरवा के तहसीलदार जी आए थे और यहाँ के लोकल हमारे जो स्टेक होल्डर्स उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने यही हम कोशिश कर रहे हैं RRTC शिमला, हिमाचल के अलग अलग एरियाज़ में, पंजाब में और चंडीगढ़ में इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके बुज़ुर्गों को एक अपना जो डिग्निटी है एल्डर्स का, उसको मेंटेन रखने के लिए, उनको एक हेल्दी रखने के लिए और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके वो मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें।